हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सरहदी बाड़मेर जिले की सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए दो ठगों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी जानोर के रहने वाले हैं और बाड़मेर में लोगों को असली सोना बताकर ठगी कर रहे थे। ग्रामीणों ने सजगता दिखाते हुए सदर थाना पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद घेराबंदी कर डुगेरों का तला में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि यह ठग 4 किलो असली सोना बताकर 4,50,000 रुपए में बेच रहे थे। सदर थाना अधिकारी अनिल कुमार के मुताबिक ग्रामीणों ने पुलिस को इत्तला दी कि नकली सोना लेकर गालाबेरी सरहद में दो युवक ठग कर रहे हैं, जिस पर पुलिस ने दबिश देकर 25 वर्षीय दरगाराम निवासी बागोड़ा जालौर व मंगलाराम निवासी पमाड़ा जालौर को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस इन अपराधियों के आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने में जुटी हुई है। बहरहाल सदर थाना पुलिस व ग्रामीणों की सजगता से बड़ी ठगी होने से बच गई है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए सदर थाना पुलिस थाना अधिकारी अनिल कुमार, इन्होंने ये कहा। पुलिस को सूचना मिली, गालाबेरी के निवासी केसर सिंह जाट है, उन्होंने सूचना दी कि दो व्यक्ति मेरे पास आए जिन्होंने दो सोने के मोती हमको दिए जांच करने के लिए, तथा कहा कि हमारे पास 4 किलो इसी टाइप के सोने की चेने हैं, आप इसको चेक करवा लो, सही हो तो आप मेरा वाला खरीद लेना। 4,50,000 रुपये में 4 किलो सोना देने की बात की। उसने चेक कराया तो वो दो मोती जो असली सोने के निकले, उसके बाद इन्होंने 4 किलो ये मंगाया था। उसने अपने दोस्तों के साथ जब बैठा था उसको, वो 4 किलो सोना देख के उन्होंने एकदम थोड़ा सा उस पर शक हुआ, कह रही है नकली तो नहीं है। इससे उनसे बातचीत करके इधर उसे वापस चेक किया तो नकली निकला। उसके बाद इन्होंने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से इन दोनों व्यक्तियों को पकड़ा और इनके पास से ये 4 किलो करीब ये सोने के मोती नुमा चैन ये बरामद की है। इन्हीं के पास ही थी, ये इन्हीं को देने के लिए लाए थे, उसी दौरान हमने इनको पकड़ लिया था। आरोपी हिंदमाल और झाप हल्का जालौर के रहने वाले हैं, दोनों ही जाति से बागरी हैं और इनका यही ठगी कार इसी प्रकार की वारदातें अक्सर करते हैं। इनका आपराधिक रिकॉर्ड हम अभी प्राप्त कर रहे हैं। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकराम मेघवाल की रिपोर्ट।